मेरठ के सरधना क्षेत्र के खेड़ा गांव में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान का खेड़ा गांव के राजपूत समाज के लोगों ने विरोध किया। लोगों ने नारेबाजी करते हुए काफिले को काले झंडे दिखाए और काफिला गांव में नहीं घुसने दिया। इस दौरान पुलिस ने लोगों को समझाने का प्रयास किया, भाई मामला बढ़ता देख केंद्रीय राज्य मंत्री काफिला लेकर वापस लौट गए। दरअसल मटौर गांव में हुए साधन सहकारी समिति के चुनाव में हुए बवाल में राजपूत समाज के लोगों ने सत्ता पक्ष पर चुनाव निरस्त कराने का आरोप लगाया था। इस मामले में राजपूत समाज के लोगों की बैठक हुई, जिसमें लोकसभा चुनाव में केंद्रीय राज्य मंत्री का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। आरोप लगाया था कि सत्ता पक्ष के इशारे पर पुलिस ने एक तरफ कार्रवाई करते हुए राजपूत समाज के लोगों पर मुकदमा दर्ज किया और 5 लोगों को जेल भेजा, जिस कारण राजपूत समाज में रोष है। वहीं रविवार को केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान सरधना के खेड़ा गांव में एक निजी कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के साथ शामिल होने जा रहे थे। जैसे ही राजपूत समाज के लोगों को उनके आने की जानकारी मिली तो वह सड़क पर काले झंडे लेकर खड़े हो गए। गांव के बाहर काफिला आते ही लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी और काले झंडे दिखाए। इस दौरान पुलिस ने लोगों को भगाने का प्रयास किया, जिस पर लोग भड़क गए और पुलिस से भी उनकी तीखी नोकझोंक हुई। वहीं मामला बढ़ता देख डॉक्टर संजीव बालियान अपना काफिला लेकर वापस लौट गए। घर फगाम में फोन हो गया।